खास खबर पर। बीएमसी ने अपने भारी भरकम बजट में 2 करोड़ रुपए आवारा कुत्तों के लिए भी खर्च करने का प्रावधान किया है। इन रुपयों के जरिए बीएमसी आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों के लिए शेल्टर होम बनाएगी। इस काम के लिए महानगर पालिका जानवरों के लिए काम करने वाली एनजीओ के साथ मिलकर काम करेगी और बीएमसी स्ट्रे डॉग्स के लिए शेल्टर होम बनाएगी ताकि इन्हें भी रहने के लिए छत मिल सके। मुंबई में हर साल कई लोग डेंगू, मलेरिया और लेप्टो जैसी बीमारियों के शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। इन बीमारियों से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए बीएमसी के इंसेक्टिसाइड डिपार्टमेंट ने अब 35 करोड़ रुपए खर्च कर मॉस्किटो ब्रीडिंग डिटेक्टर प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया है। इसके लिए बीएमसी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन जगहों को चिन्हित करेगी जहां पर मच्छरों के प्रजनन की संभावना ज्यादा है। बाद में इन जगहों पर कीटनाशक का इस्तेमाल कर मच्छरों को खत्म किया जाएगा। मुंबई में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए बीएमसी ने शिक्षा विभाग के बजट को इस वर्ष के लिए 3,370 करोड़ रुपए रखा है। यह बजट पिछले साल के मुकाबले 424 करोड़ रुपए ज्यादा है। पिछले वर्ष बीएमसी ने शिक्षा बजट 2,945 करोड़ रखा था। कोरोना बीमारी की वजह से कई लोगों के या तो रोजगार छिन गए हैं या फिर उनकी तनख्वाह में कटौती की गई। लोगों की इस समस्या को देखते हुए बीएमसी ने इस वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है। मनपा की तरफ से 500 स्क्वायर फीट या उससे कम एरिया के घरों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने से छूट दी गई है। बीएमसी के इस फैसले से शहर के 16,14,000 नागरिकों को राहत मिली है। इसकी वजह से बीएमसी को हर साल 4,62,00,000 रुपए का खर्च उठाना होगा। इन सब के अलावा मुंबई में लोगों को योग की तरफ आकर्षित करने के लिए बीएमसी ने केंद्र की योजना का नया नाम रखा है, जिसके तहत अब मुंबई में शिव योग केंद्र बनाए जाएंगे। 200 केंद्रों को बनाने के लिए बीएमसी ने 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बता दें कि बीएमसी ने मुंबई में शिवसेना द्वारा केंद्र सरकार की योजना का यह नया नामकरण किया है। तो यदि आज की खास खबर, इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे चैनल के साथ।